हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मूंगफली और चावल की एक बहुत ही यम्मी से टेस्टी सा नाश्ता, जो कि आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स इसको बनाने में। आप लोग सुबह में, शाम को, टी टाइम, स्नैक्स के टाइम पे आप कभी भी इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखें जैसे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंगफली ली थी, तो ये जो मूंगफली मैं ले रही हूँ कच्ची वाली जो मूंगफली होती है ना वो है। अगर आपके पास नॉर्मल जो मूंगफली भुनी हुई आती है मार्केट में आप उसको भी ले सकते हैं, तो मैंने वो लिया है। और उसके बाद से यहाँ पे एक कटोरी जितना चावल लिया है, तो चावल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है ताकि जिससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बने। तो देखिए अब मैंने इसको एक पैन पे डाला था और उसके बाद इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इसमें हम किसी भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी इसको सूखा ही रोस्ट करना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से ये भून जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको, 2 से 3 मिनट में ना हमारे जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, मतलब एकदम क्रिस्पी जैसे हो जाते हैं। हमको उतना ही इसको भूनना है, तो बस इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके ना हमारे चावल बहुत अच्छे से भून जाएंगे और हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो बस हमको इसको अच्छे से रोस्ट करना है, तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वाला प्रोसेस आप लोग लो फ्लेम पे करें, ज़्यादा हाई ना रखें, वरना आपकी जो चावल है वो जल्दी जल जाएंगे और ठीक से पक नहीं पाएंगे। तो मैं लो मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लूँगी। तो देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो चावल का कलर चेंज होने लगेगा। और ये जो चावल है मैंने एक कटोरी चावल लिए थे और उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था ताकि ऊपर जितना भी डस्ट वगैरह हो वो हट जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि चावल को धो के फिर इसको बनाएं, तो पहले चावल को धो लें एंड धोने के बाद से उसको कपड़े से पोंछ लें सुखा के, उसके बाद फिर इसको बनाएं। तो देखिए इस तरीके से इसको भून लेना है। और फ्रेंड चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस है, एक बार जा करके ज़रूर देखें। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आएँ, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो देखिए हमारे चावल क्रिस्पी हो गए, हमको ऐसा ही चाहिए। और उसके बाद से हमने एक जार लिया था जिसमें सबको डाल लेंगे और अब हमें इसका पाउडर बनाना है। तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है और ये पाउडर फॉर्म में आ गया है, तो ऐसा ही करना है हमको। और लाल मिर्ची डालने की वजह से देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो आप लोग चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस मैंने इसको डाल के अच्छे से पीस लिया था, देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा सा फाइन सा पाउडर जो है हमारा बन के तैयार हो गया। और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए तो फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी, टेस्टी एंड क्रिस्पी बनता है ये वाला जो नाश्ता है, क्योंकि हम इसमें चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और अगर आप लोग को चावल अवॉइड करना है तो आप इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी और मूंगफली का इस्तेमाल करके भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ली थी मैंने जिसमें हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, गाजर, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको डाल के ऐसे ही सूखा ही मिक्स कर लूँगी। और ये उसके बाद से मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर। तो इसमें बस तीन ही मैं मसाले डालूँगी, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डाला जाता है क्योंकि हम नाश्ते के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाला या कुछ ऐसा ऑयल वगैरह अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए हल्दी, नमक, अमचूर पाउडर डालने के बाद से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और फ्रेंड्स अगर आपको इसको इस ब्रेकफास्ट को, इस नाश्ते को थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देना है तो आप इसमें या तो नींबू का या फिर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास दही अवेलेबल नहीं थी तो मैंने दही नहीं डाला था, तो उसकी जगह मैंने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया था इसमें ताकि हल्का खट्टा फ्लेवर आए। तो देखिए अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही अच्छा सा बैटर बन जाएगा। और अगर ऐसा कभी होता है कि आप लोग का बैटर गीला हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर ढक करके छोड़ दें, यानी कि 10 से 15 मिनट और ढक करके छोड़ दें, जिसके वजह से ये चावल है पानी को सोख लेगा और बहुत आसानी से आपका जो नाश्ता है वो बन जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमको ये बहुत ज़्यादा गीला बैटर नहीं चाहिए, इसका नॉर्मली थिक बैटर चाहिए। तो देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैक्सिमम 5 मिनट छोड़ने के बाद से फिर हम इसका
अपना नाश्ता बनाना चालू करेंगे। तो देखिए जब हमने इसको फेटा था तब ये थोड़ा गीला था और 5 मिनट छोड़ने के बाद से एकदम अच्छे से फॉर्म में आ गया है। तो इसी तरीके से हमें इसको बनाना है। और मैं हाथों की हेल्प से यहाँ पे देखिए ये शेप में देना चाहती हूँ, लाइक एक कटलेट टाइप का। आप लोग चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से बन जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से छोटे बड़े आप लोग बना सकते हैं। मैं छोटा छोटा मतलब नॉर्मली मीडियम साइज़ का बना रही हूँ कटलेट, तो इसको बना के मैं रख लूँगी। तो देखिए एकदम परफेक्ट साइज है फ्रेंड्स, और एकदम इंस्टेंट बन जाता है ये वाला जो नाश्ता। आप लोग ज़रूर इस तरीके से एक बार बना करके ट्राई करें। और उसके बाद से मैंने इधर एक पैन रखा था और इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा सा डाल के अच्छे से फैला लेंगे तवे पे, ताकि हमारी जो ये टिक्की है ये अच्छे चिपके ना नीचे, इसलिए हम इसमें तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप लोग कितना कम तेल इस्तेमाल हो रहा है इसमें। बाकी और चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं नाश्ते में, इसलिए एकदम हल्का फुल्का नाश्ता है फ्रेंड्स ये। तो देखिए हमारा जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये सारी जो टिक्की बना के रखी थी हमने, वो सब हम इसमें डाल देंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत 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 यम्मी बनता है ये नाश्ता और एकदम इंस्टेंट बन जाता है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए मेरी 4 से 5 टिक्की बनी थी और ये मैं अच्छे से इसी में लगा दूँगी। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है, तो नॉर्मली 5-6 टिक्कियाँ जैसी बन गई हैं। आप लोग क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं बैटर का, जितने लोग हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं 2 लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। देखिए और एक छोटा सा बचा था, थोड़ा सा बैटर था तो उसका छोटा सा बना लिया था मैंने। और उसके बाद से इसको इस तरीके से पलट लेंगे। देख सकते हैं कितना आसानी से ये पलट भी जा रहा है। तो जब एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए फिर दोबारा दूसरे तरफ से आप इसको पलटें। तो देखिए कितना क्रिस्पी होता जा रहा है ये। और नॉर्मली 2 से 3 मिनट आप छोड़ेंगे ना उतने देर में ये हो जाएगा। और ऑयल डाला है हमने, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। पर देखिए सच में गाइस बहुत क्रिस्पी बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको इस तरीके से बनाएं और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना ना भूलें। तो बस अब इसको इसी तरीके से पलट लेंगे और नॉर्मली 2-3 मिनट हमने एक तरफ सेका था, 2-3 मिनट ही एक तरफ भी सेक लेंगे। तो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में हमारे जो नाश्ता है वो बनके तैयार हो जाता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए कितना क्रिस्पी हो गया, इसने पूरे तेल को भी सोख लिया है। तो देखिए गाइस कितना आसान था इसको बनाना, तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं। तो बस इसको दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट करके हम सेक लेंगे, क्रिस्पी हो जाएगा। क्रिस्पी होने के बाद से बस अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये, देखने में कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो अब मैं इसको इस तरीके से सर्व कर दूंगी। तो आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं, या फिर मूंगफली की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स ये खाने में। और चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग एक बार जाकर के ज़रूर देखें, जहाँ पे मैं बहुत ही ईजी वे में इसी तरीके की रेसिपीज़ लेके आते रहते हैं जो कि आप लोग आसानी से बना सकें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बस फ्रेंड्स खाएँ पिए इन्जॉय करें। देखिए कितना मस्त बना है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।